द थीफ्स स्टोरी। आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मेट अनिल एंड दो आई वॉज ओनली 15। मैं अभी भी एक चोर था जब मैं अनिल से मिला और मैं केवल 15 वर्ष का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेस हैंट। मैं अनुभवी था और चोरी करने में बहुत अच्छा था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच एंड व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25। वह लगभग 25 वर्ष का था। अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा पतला व्यक्ति। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वो बहुत ही आसान नजर आ रहा था। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, और बहुत ही दयालु और सीधा नजर आ रहा था मेरे उद्देश्य के लिए। अब यहाँ उद्देश्य क्या है? माई पर्पस चोरी, यानी ठगने का या चोरी करने का जो उसका उद्देश्य है उसके लिए ये व्यक्ति बहुत ही सरल नजर आ रहा था। आई वॉज श्योर आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, और मैं ये निश्चित था, इस बात से मैं बिल्कुल निश्चित था कि मैं उस व्यक्ति का विश्वास जीतने में कामयाब हो जाऊंगा। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ। अरे आप तो खुद ही एक पहलवान लगते हैं। आई सेड, मैंने कहा। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत चापलूसी सहायता करती है दोस्त बनाने में। सो डू यू, ही रिप्लाइड। अरे आप भी तो पहलवान लगते हैं, उसने जवाब दिया। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, थोड़ी देर के लिए मैं इस बात से चौंक गया। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, क्योंकि उस समय मैं थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही पतला था। वेल, आई सेड मॉडेस्टली, हाँ, मैंने विनम्रता से कहा। आई डू रेसल अ बिट, हाँ थोड़ी बहुत पहलवानी मैं करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइट। मैंने अपना नाम बताया, हरी सिंह, लेकिन मैं झूठ बोल रहा था। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम रख लेता था। That kept me ahead of the police and my former employers. ये नाम मुझे पुलिस से और अपने पुराने मालिकों से बचाता था। After this introduction, और इस परिचय के बाद, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. इसके बाद अनिल ने उन मालिश किए हुए, तेल से मालिश किए हुए पहलवानों के बारे में बात की जो गुर्रा रहे थे, एक दूसरे को उठा रहे थे और पटक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास ज्यादा कहने के लिए कुछ नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं भी पीछे पीछे हो लिया। हेलो अगेन, ही सेड, फिर से उन्होंने मुझे हेलो कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने अपनी सबसे आकर्षक मुस्कुराहट से उनकी तरफ देखा। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं, मैंने कहा। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं आपको तनख्वाह नहीं दे सकता, वेतन नहीं दे सकता, आपके काम का भुगतान नहीं कर सकता, ऐसा अनिल ने कहा। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, और इस बात पर मैंने लगभग एक मिनट से ज्यादा सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने अपने आदमी को गलत रूप से पहचाना या उसके बारे में गलत
धारणा रखी थी। आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे खिला सकते हैं? कैन यू कुक, अनिल कहता है क्या आप खाना पका सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। हरि सिंह बोलता है कि मैं खाना पका सकता हूँ, लेकिन फिर से उसने झूठ कहा, यानी पहली बार तो उसने अपना नाम झूठ बताया था और अब वो कह रहा है कि मैं खाना पका सकता हूँ, ये भी एक झूठ था। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर आप खाना पका सकते हो तो शायद मैं आपको खिला भी सकता हूँ, ये अनिल कह रहा है। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, वो मुझे अपने कमरे पर ले गया जो कि एक मिठाई की दुकान के ऊपर था और मुझे कहा कि मैं बालकनी पर सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, लेकिन जो खाना मैंने उस रात पकाया वो बहुत ही भयानक, बहुत ही खराब रहा होगा क्योंकि अनिल ने इसे एक आवारा कुत्ते को दे दिया था और मुझे भी जाने के लिए कह दिया। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं मंडराता रहा, वहीं घूमता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और अपने उसी आकर्षक अंदाज से मुस्कुराते हुए। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाया। लेटर ही पैटेड मी ऑन हेड, लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड हीड टीच मी टू कुक, बाद में उसने मेरे सिर पर थपकी लगाई और कहा कोई बात नहीं, वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड, उसने मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाया और कहा ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस एंड टू ऐड नंबर्स, और ये कहा कि जल्दी ही वो मुझे पूरे वाक्य लिखना सिखाएगा और अंकों को जोड़ना भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बड़ा आभारी था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, मैं ये जानता था कि अगर मैं एक पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना सीख सकूं, तो मेरे आगे बढ़ने की या मुझे जो भी कुछ प्राप्त करना है उसकी कोई भी सीमा नहीं होगी। यानी पढ़ लिख करके वो बहुत कुछ ज़्यादा अपने क्षेत्र में नाम कमा सकता है, पैसा कमा सकता है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज। ये बहुत ही आनंददायक था अनिल के साथ काम करना, उनके लिए काम करना। मैं उनके लिए सुबह चाय बनाता और उसके बाद पूरा दिन की जो खरीदारी होती थी उसमें बिताता। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे, सामान्य रूप से मैं इस दिन में अपना एक रुपया प्रॉफिट कमा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, और मुझे लगता है कि उन्हें पता था कि मैं इस प्रकार से कुछ पैसा बचा लेता हूँ, लेकिन उन्हें इस बात से कोई समस्या नहीं थी। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल जो पैसा कमाते थे वो कभी तो आता था और कभी नहीं आता था। फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब नॉट ए रेगुलर इनकम। ही वुड बोरो वन वीक, एक सप्ताह वो उधार लेता था, लैंड द नेक्स्ट और अगले सप्ताह उसे चुका देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वो
अपने अगले चेक के लिए हमेशा चिंतित रहता था, बट एज सून एज इट अराइव्ड, और जैसे ही वो पहुंचता था यानी चेक आता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वो बाहर जाता था और उत्सव मनाता था यानी उसको खर्च कर देता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था कि वो पत्रिकाओं के लिए लिखता था। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, एक विचित्र तरीका, क्वियर मीन्स विचित्र तरीका था आजीविका कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को वो एक छोटे से बंडल जो कि नोटों का बंडल था उसके साथ घर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और उसने कहा कि अभी अभी उसने किताब एक प्रकाशक को बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और रात को मैंने देखा कि उन्होंने वो रुपया वो पैसा जो था वो गद्दे के नीचे रख दिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं लगभग एक महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और खरीदारी में बेईमानी करने के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माय लाइन ऑफ वर्क, कुछ भी मैंने अपने कार्यक्षेत्र के में नहीं किया। उसका कार्यक्षेत्र क्या था? चोरी करना, यानी खरीदारी में थोड़ी बहुत बेईमानी उसने की थी जो एक रुपया बचाता था, उसके अलावा उसने घर में कोई चोरी चकारी नहीं की। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास अवसर था इस प्रकार से चोरी करने का। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे अपने दरवाजे की चाबी दे दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं जब चाहता तब आ और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, अब तक मैं जितने भी लोगों से मिला था उनमें वो सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला था, यानी वो मुझ पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, और यही कारण था कि उसको लूटना बहुत मुश्किल था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को लूटना बहुत आसान है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो लूटे जाने को सहन कर सकता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना बहुत मुश्किल है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज बीन रॉब्ड, कई बार तो वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देता, उसको पता ही नहीं चलता कि उसे लूटा गया है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और काम का पूरा आनंद ही समाप्त हो जाता है। अगर चोरी करें और जिसके यहाँ चोरी की है या डाका डाला है उसको पता ही ना चले जिसे लूटा गया है, तो लूटने का जो काम है उसका आनंद ही समाप्त हो जाता है, ऐसा इस हरि सिंह का मानना है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, और अब इस समय मैंने कुछ वास्तविक कार्य किया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं अपने अभ्यास से बाहर हो रहा हूं, यानी जो उसका चोरी का काम था उसकी प्रैक्टिस छूट रही थी। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और अगर मैंने पैसा नहीं लिया, ही'ल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, वो केवल अपने दोस्तों पर इसे बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और आखिरकार वो मुझे कोई वेतन कोई तनख्वाह भी तो नहीं देता। अनिल वॉज एस्लीप, अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, एक चांदनी की किरण बालकनी से होती हुई बिस्तर पर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं जमीन पर बैठा था। कंसीडरिंग द सिचुएशन, और परिस्थिति का आकलन कर रहा था, परिस्थिति को जांच रहा था। इफ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसा ले लेता हूं, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस ऑफ लखनऊ, मैं 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस को
को पकड़ सकता हूं, स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, और अपने कंबल से बाहर निकलते हुए आई क्रैप्ट अप टू द बेड, मैं रेंगते हुए धीरे धीरे बिस्तर की तरफ गया, पलंग की तरफ गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका चेहरा एकदम स्वच्छ साफ और बिना किसी लाइन के यानी झुर्रियों के था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहां तक कि मेरे चेहरे पर भी बहुत सारे निशान थे, दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, यद्यपि ये जो मेरे दाग थे चेहरे पर ये स्कार्स थे यानी खरोंचे थी, चोट के निशान थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ गद्दे के नीचे गया, सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोटों को ढूंढने लगा। When I found them, जब मुझे वो मिले, I drew them out without a sound, मैंने उनको बिना आवाज किए बाहर निकाल लिया। अनिल sighed in his sleep and turned on his side towards me, अनिल ने गहरी सांस ली सोते हुए ही और मेरी तरफ करवट बदल ली। I was startled and quickly crawled out of the room, मैं एकदम से चौंक गया था और तेजी से रेंगते हुए ही कमरे से बाहर निकल आया। When I was on the road, I began to run, और जब मैं सड़क पर था मैंने दौड़ना शुरू किया। I had the notes at my waist, मेरे पास नोट थे, रुपए का बंडल था जो कि मैंने अपनी कमर में रखा हुआ था, held there by the string of my pajama, और मेरे पजामे के नाड़े से वो थमे हुए थे, रुके हुए थे। I slowed down to a walk and counted the notes, मैं धीरे हो गया, दौड़ते दौड़ते मैं धीरे हुआ, चलने लगा और नोटों को गिना। 600 rupees in 50s, 600 rupees 50-50 के नोट। I could live like an oil rich Arab for a week or two, मैं अरब के किसी तेल व्यापारी की तरह एक या दो सप्ताह तक बहुत ही शानदार जीवन जी सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life, मैंने कभी भी अपने जीवन में टिकट नहीं खरीदी थी। But dashed straight to the platform, और सीधा दौड़ करके प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। The Lucknow Express was just moving out, और लखनऊ एक्सप्रेस जो थी वो अभी अभी चली थी यानी स्टार्ट हुई ही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, और ट्रेन को अभी अपनी गति पकड़नी ही थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरिज, और मुझे उनमें से किसी एक डब्बे के अंदर कूद करके बैठ जाना चाहिए था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचका। फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, कोई कारण था जिसे मैं आपको बता नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वहां से निकलने का अवसर खो दिया। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माय सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, और जब ट्रेन वहां से चली गई मैंने अपने आप को उस सूने प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़े हुए पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, और मुझे कुछ पता नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था, कुछ पता नहीं था कि अब ये रात कहाँ बिताई जाए। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, मुझे मेरा ये विश्वास था कि दोस्त ज़्यादा परेशानी पैदा करते हैं सहायता की बजाय। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस, और मैं किसी के अंदर ये बात की जिज्ञासा भी नहीं जगाना चाहता था। किस प्रकार से? बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, यानि जो छोटे होटल थे स्टेशन के आसपास, वहाँ पर रात बिता करके मैं उन लोगों के अंदर किसी प्रकार की जिज्ञासा नहीं जगाना चाहता था।
द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, और केवल मात्र एक व्यक्ति था जिसको मैं अच्छी तरीके से जानता था, और ये वो व्यक्ति था जिसको मैंने लूटा था। लीविंग द स्टेशन, और स्टेशन को छोड़ा, आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, और धीरे धीरे मैं बाजार से होता हुआ गुजरा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज अ थीफ, और मेरे छोटे से कैरियर एक चोर के रूप में, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, मैंने लोगों के चेहरे को पढ़ाना सीखा। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वे अपनी चीज़ें खो देते हैं, यानी जब व्यक्ति अपनी चीज़ खो देता है तो उसके चेहरे पर किस प्रकार के भाव उभरते हैं, इसका मैंने अध्ययन किया। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी होता है वो डर दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर आदमी होता है वो गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होता है वो स्वीकृति दिखाता है, यानी स्वीकार कर लेता है कि चलो जो हुआ सो हुआ। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं जानता था कि अनिल का चेहरा, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब वो इस चोरी के बारे में जानेगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, उसे के चेहरे पर केवल एक हल्का सा दुख का भाव आएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, और वो भी किस लिए, उसे इस बात का दुख नहीं होगा कि मेरा पैसा खो गया है, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, लेकिन उसका जो विश्वास खो गया है, उसका जो विश्वास टूटा है, उसके कारण उसके चेहरे पर दुख आएगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मेडन मैदान, आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, मैं अपने आप को एक मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, जो रात थी वो बहुत ही ठंडी रात थी। इट वॉज अर्ली नवम्बर, और ये प्रारंभिक नवम्बर का महीना था। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और एक हल्की हल्की बूंदाबांदी, ड्रिजल इज हल्की हल्की जो बूंदे गिरती हैं बारिश में उन्हें कहा जाता है, तो हल्की जो बूंदाबांदी हो रही थी उसने मेरे कष्ट को, मेरे डिस्कम्फर्ट को और बढ़ा दिया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और जल्दी ही ये बारिश और तेज हो गई। माई स्पिरिट, माई शर्ट एंड पायजामा स्टक टू माई स्किन, मेरी कमीज और मेरा पैजामा बिल्कुल मेरी त्वचा से चिपक गया। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा ने बारिश को मेरे चेहरे से टकरा दिया। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, मैं वापस बाजार गया और क्लॉक टावर यानी घंटाघर जो लगा होता है, जिसमें बड़ी सी घड़ी होती है, उसके छाया में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और जो घड़ी थी वो आधी रात का समय दिखा रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को छुआ। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वे बारिश से गीले हो चुके थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, और सुबह शायद वो मुझे 2 या 3 रुपए देता सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास ये सारा का सारा है। आई कुडंट कुक हिज मील्स, अब मैं उसका खाना नहीं पका सकता था। रन टू द बाजार, बाजार नहीं जा सकता था। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और पूरे वाक्य लिखना भी नहीं सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं चोरी के उत्साह में इन सब के बारे में भूल गया था। होल सेंटेंसेस, पूरे वाक्य, आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 rupees, मैं जानता था
कि अगर मैं पूरे वाक्य लिखना सीख लूँ तो इन कुछ 100 रुपयों से ज़्यादा मुझे दिला सकते हैं या मैं कमा सकता हूँ। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, एक साधारण सा मामला था चोरी का। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कई बार तो बिल्कुल उसी प्रकार आसानी से पकड़े भी जाते थे। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनने के लिए, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, चतुर और इज्जतदार आदमी बनने के लिए, सम्माननीय व्यक्ति बनने के लिए, वॉज समथिंग एल्स, कुछ और ही चाहिए था। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, केवल और केवल पढ़ने और लिखने सीखने के लिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं वापस कमरे की तरफ दौड़ा और बहुत ही घबराया हुआ था। फॉर इट इज मच ईजियर टू स्टील समथिंग, क्योंकि कुछ चीज चुराना तो बहुत आसान होता है, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, इसके बजाय कि उसको बिना पता लगे वापस रख देना। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाजे को बहुत ही शांति से खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, और तब दरवाजे के रास्ते में खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट, और रात में बादलों भरी चांदनी भी थी। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बिस्तर के सिरहाने पहुंचा रेंग करके। एंड माई हैंड केम अप विद नोट्स, और साथ में मेरा हाथ भी नोटों के बंडल के साथ था। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैंने उसकी सांस अपने हाथ पर महसूस की। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, एक मिनट के लिए मैं स्थिर रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और तब मेरे हाथ ने गद्दे के सिरे को पाया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और इसके नीचे फिसल गया, यानी इसके नीचे चला गया नोटों के बंडल के साथ, मतलब उसने नोटों का बंडल गद्दे के नीचे रख दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अगली सुबह मैं थोड़ा देर से उठा और देखा कि अनिल ने पहले से ही चाय बना रखी थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, वहां 50 रुपए का नोट था उनकी उंगलियों के बीच में। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठ गया, यानी मैं घबरा गया, डर गया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मैंने सोचा कि मैं पकड़ा गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, कल मैंने कुछ पैसा कमाया है, उसने कहा। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें नियमित रूप से वेतन मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी। माई स्पिरिट्स रोज, मेरा उत्साह बढ़ा। बट व्हेन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने वो नोट पकड़ा या लिया, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, मैंने देखा कि ये अभी भी रात की बारिश से भीगा हुआ था। टुडे वील स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, आज हम वाक्य लिखना प्रारंभ करेंगे, ही सेड, उसने कहा। ही न्यू, वह जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, ना ही तो उसके होठों ने ना ही उसकी आंखों ने कुछ भी दर्शाया, कुछ भी बताया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं अपने उसी आकर्षक तरीके से अनिल की तरफ देख के मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बैक बाई इट्सेल्फ, एंड द स्माइल केम बाई इट्सेल्फ, और इस बार ये जो मुस्कुराहट थी ये स्वतः ही आई थी, कोई बनावटी नहीं थी, विदाउट एनी
एफर्ट, बिना किसी प्रयास के। पहले तो वो क्या था, प्रयास करके मुस्कुराता था लोगों को धोखा देने के लिए, फंसाने के लिए, लेकिन इस बार वास्तव में कृतज्ञता की मुस्कुराहट थी ये, जो कि अनिल के प्रति हरि सिंह दिखा रहा था। दिस इज द स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ट एंड नाउ वी विल लर्न अबाउट द राइटर, अबाउट द ऑथर एंड अबाउट द स्टोरी एंड ग्लॉसरी। अबाउट द ऑथर, रस्किन बॉन्ट इज एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। रस्किन बॉन्ट भारतीय लेखक हैं लेकिन ब्रिटिश के हैं, इनका जो ओरिजिन है यानी कि ये एक अंग्रेज थे लेकिन भारत में ही बस गए थे। द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन हैज रिकॉग्नाइज्ड हिज रोल इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। और जो हमारी इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन है, उसने बच्चों के जो साहित्य है और उसको बढ़ावा देने के अंदर इनकी पहचान की गई है। He received the साहित्य Academy Award in 1992। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया 1992 में। He was also awarded the पद्मश्री in 1999। और उनको पद्मश्री से भी नवाजा गया 1999 में एंड पद्म भूषण इन 2014। ये हमारे सभी पुरस्कार हैं, ये इन्हें प्राप्त हुए हैं। 2014 में पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ। स्टोरी हमने पढ़ी ली है, फिर भी देख लेते हैं। अबाउट द स्टोरी, दिस स्टोरी हैज़ ए सिंपल प्लॉट विद एन इम्पॉर्टेंट मैसेज। ये कहानी बहुत ही साधारण है लेकिन इसके अंदर संदेश बहुत मुख्य है। अ यंग बॉय हरि सिंह केम टू लिव विद अनिल इन द होप ऑफ मेकिंग ए थेफ्ट। एक लड़का हरि सिंह अनिल के पास रहने के लिए आता है चोरी करने के इरादे से। बीइंग अ गुड फेलो, अच्छा आदमी होते हुए, अनिल वॉन्ट्स टू टीच हरि सिंह हाउ टू रीड एंड राइट। अनिल चाहता है हरि सिंह को पढ़ाना और लिखाना। ग्रेजुअली अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरि सिंह, और धीरे धीरे अनिल का विश्वास हरि सिंह में बढ़ता जाता है। आफ्टर स्टीलिंग मनी फ्रॉम अनिल, और अनिल से पैसा चुराने के बाद हरि सिंह ट्राइज टू गो अवे, हरि सिंह कोशिश करता है वहाँ से भागने की फॉर एवर, हमेशा के लिए। बट सम इनर वॉइस स्टॉप्स हिम फ्रॉम डूइंग सो, लेकिन अंतरात्मा की आवाज़ उसे रोकती है ऐसा करने से। दस हरि सिंह हु वॉज डेविएटेड फ्रॉम द राइट पाथ रियलाइज हिज मिस्टेक। इस प्रकार हरि सिंह जो एक गलत रास्ते पर सही रास्ते से भटक गया था, वो अपनी गलती पहचान जाता है, स्वीकार कर लेता है। नाउ सी द ग्लॉसरी, द डिफिकल्ट वर्ड्स इन दिस चैप्टर। अप्रोच्ड, केम नियर, नियर टू पास आना। फ्लैटरी, एक्सेसिव और इनसिंसियर प्रेज, चापलूसी। मॉडेस्टली, हम्बली, बैशफुली, विनम्रता से। ग्रंटिंग, अटरिंग अ हार्श साउंड, गुर्राना। गास्पिंग, कैचिंग ब्रेथ विद ओपन माउथ, मुंह खोल के सांस लेना। स्लिड, हाफना भी होता है इसका, कैचिंग गास्पिंग हाफना। स्लिड, टू मूव, टू स्लिप इन, फिसल जाना, चलना। साइड, ड्रू ए डीप ब्रेथ, आह भरना, गहरी सांस लेना। स्टफ्ड, फिल्ड, भरा हुआ। अराउज, टू अवेकन, टू एक्साइट, उत्साहित होना, जागृत होना। क्यूरियस, ईगर टू लर्न, जिज्ञासु होना। वैग्रेंट्स, पर्सन्स हु हैव नो सेटल्ड होम और जॉब। वैग्रेंट्स, आवारा, जिनके पास रहने के लिए काम नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है और करने के लिए काम नहीं है। अनडिटेक्टेड, नॉट डिस्कवर्ड, बिना पहचाने हुए, बिना खोजे हुए। सो वी कैन डू द क्वेश्चन आंसर्स आफ्टर रीडिंग दिस स्टोरी अगेन। सो लर्न दिस स्टोरी अगेन and do the question and answers.